ये एक ऐसे बहुत ही भयानक आदमी का केस है जो बच्चों को किडनैप करता था. इस आदमी ने कभी भी फोन करके पैसे मांगे ही नहीं. हम लोग आखिर तक यही ढूंढते रहे हैं कि ये किडनैप कर ही क्यों रहा है. किडनैप भी कर रहा है और अब मैं कैसे बताऊं, ये आदमी किडनैप भी कर रहा है और मर्डर भी कर रहा है. जिस जिसको किडनैप किया उसे मार दिया. तभी मैं कह रहा हूं कि बहुत ही भयानक आदमी है, बहुत ही भयानक. इतने खराब दिमाग वाले आदमी ने बच्चे को मारने के बाद उसकी लाश को छुपाया नहीं, उसकी लाश को वो वहां फिर से ले गया जहां से उसे किडनैप किया था. लाश को वापस उसके घर पे लाया. सबसे पहले उसने एक वीडियो भेजा. वीडियो में एक बच्चा बोल रहा था कि किस तरह से उसे किडनैप किया गया. मगर जब हम लोगों ने वो वीडियो देखा ये पता लगाने के लिए कि वो जगह कौन सी है जहां पे वो वीडियो रिकॉर्ड की गई है, तो हम लोगों का दिमाग घूम गया. वो बच्चा अपने ही घर में बैठ के बोल रहा था कि उसे किडनैप कर लिया गया है. अगर उसे किडनैप कर लिया गया है तो वो अपने घर पे कैसे बैठा था हा? और घर में और भी बहुत सारे लोग थे और सारे के सारे लोग उस बच्चे को ढूंढ रहे थे, तो फिर ये कैसे हुआ? यही नहीं, ये एक बच्चा नहीं, सबके सब बच्चों के साथ यही हुआ. किडनैप हुआ, उसके बाद एक वीडियो आया और वीडियो में वही अपने ही घर में बैठकर बच्चा बोल रहा है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है. और उसके बाद लाश आई. ये सब कैसे हुआ आप भी देखिए. छोड़ दो तुम्हें, छोड़ दो. ठीक है तो फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूं. आपकी भतीजी है ना? जी सर. कब से गायब है? सर एक हफ्ते से. ये गायब हुई कैसे? कॉलेज पिकनिक गई थी बनावर अपने दोस्तों के साथ और वहीं से उसके किसी एक दोस्त का फोन आया कि वो अपने कमरे में ही नहीं है. सर हमने हर जगह ढूंढा, सारे रिश्तेदारों से पूछताछ भी की, लेकिन रीटा का कुछ पता नहीं चल रहा है सर. मुझे तो डर है कि उसे कुछ हो ना गया हो. माफ कीजिए मगर बुरा मत मानना, लेकिन क्या आपका अपनी भतीजी रीटा के साथ संबंध कैसा है? सर ठीक ठाक सहित. अरे पता नहीं रीटा को ऐसा क्यों लगता था कि हम लोग उसके डैड की प्रॉपर्टी के पीछे. क्या ऐसा था क्या?
नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। भैया भाभी के डेथ के बाद हम लोगों ने उसे पाला, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा उसे। सर शायद रीटा सच बोल रही हो। सर आपसे मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब आप लोगों ने किया है जमीन जायदाद के चक्कर में? ये क्या कह रहे हैं सर? सर हम लोग तो अपनी रीटा के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, हमें किसी और के पैसों की क्या जरूरत सर? सुप्रिया जी, पैसा देख के अच्छे अच्छों के दिमाग खराब हो जाते हैं, समझिए आप। क्या हुआ सुप्रिया जी, आप फोन क्यों नहीं उठा रही? वो रीटा का फोन है, उसके घर से फोन है। रीटा के घर से? लेकिन सर उसके घर पे तो कोई है ही नहीं। तो दिखाइए फोन। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है यार। किसका फोन? नौकर का फोन था सर, कह रहा था कि रीटा घर वापस आ गई है, सो रही है। क्या रीटा घर वापस आ गई? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो सही सलामत है। चलो तो फिर रीता से ही जाकर पूछ लेते हैं कि वो इतने दिन से थी कहाँ। अच्छा ये बताओ, रीता रात को घर पर कब लौटी? पता नहीं साहब, आज सुबह जब मैं कमरे की सफाई करने के लिए गया तो देखा वो सो रही थी। अभी तक सो रही है? जी सर। रीता, रीटा, रीटा, कुछ गड़बड़ है मामले से। एसी इतना तेज चला के क्यों रखा है? ताशा देखो जरा। She's dead. क्या? रीटा, रीटा। अब प्लीज हाथ मत लगा। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी रीटा नहीं मर सकती। रीटा, रीटा। अब जरा प्लीज। रीटा। सुप्रिया संभालो अपने आप को। चलो आओ बाहर आओ। सुप्रिया रोना बंद करो। रस्सी से बांधे हुए थे, सर। हाँ। ये देखिए। लगता है गला घोट के मारा गया सर। मिट्टी, मगर घर के बाहर दूर दूर तक तो कहीं मिट्टी तो है नहीं। मतलब अभिजीत, ये मिट्टी किसी ऐसे जगह से आई है जहां से खूनी आया है। लेकिन सर खूनी लाश को छोड़ने घर तक क्यों आया? वो लाश को कहीं और भी तो फेंक सकता था। शायद उसे पता होगा इस वक्त घर पे कोई नहीं रहता है। मगर कोई इतना बड़ा खतरा उठाएगा क्यों? तुम में से किसी ने भी नहीं देखा लाश को यहां लाते हुए? क्यों नहीं साहब? नहीं साहब, कोई तो मिला है तुम में से। ये अंदर का ही काम है, घर में से किसी का नहीं। साहब हमने इस घर का नमक खाया है। अबे चुप, नमक खाया है? नमक बहुत सस्ता हुआ है आजकल, समझे? फ्रेडी एक काम करो, इस घर में जितने भी जूते हैं सब उठा लो। अरे तो क्या सब लोग नंगे पैर घूमेंगे? घूमने दो, हो सकता है ये मिट्टी अभी भी लगी हो के जूतों में। हर साल की तरह इस साल भी
एलओसी इंटरप्राइज लोगों के लिए, मेरा मतलब है आप सब लोगों के लिए कुछ खास लेकर आई, कुछ नया। वो कहते हैं ना कुछ जरा हटके। थैंक यू सुनित। सिटी तो वही है सर। सॉरी मामा, सॉरी पापा, मैं अब आप लोगों के पास कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन आप लोग मेरी फिक्र मत करना, मेरा यहाँ पर ठीक तरह से ध्यान रखा जा रहा है। बस बहुत बातें हो गई हैं। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह बाय बोलो। बोलो बाय। बाय पापा, बाय मामा। परेशान मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। अरे किसने किया होगा, सब कुछ तो अंजाम प्लीज। मुझे कुछ नहीं पता, विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है? फोन ऑफ है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ट्राई करो ना। उनका फोन ऑफ जा रहा है। प्लीज स्टॉप इट। पता नहीं कहाँ होगा, वो किस हाल में होगा। सॉरी मामा, सॉरी पापा, मैं अब आप लोगों के पास कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन आप लोग मेरी फिक्र मत करना, मेरा यहाँ पर ठीक तरह से ध्यान रखा जा रहा है। बस बहुत बातें हो गई हैं। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह बाय बोलो। बोलो बाय। बाय पापा, बाय मामा। अच्छा, अजीब बात है सर, ये वीडियो हमारे ही घर में, यानी कि अजय के कमरे में बनाया गया है। ये अजय का कमरा है सर। मतलब आपके बेटे को आपके घर में से ही गायब किया गया है? सर हमारा बेटा पिछले 3 महीनों से घर नहीं आया, फिर भला उसे हमारे घर से गायब करेगा कौन? आपका बेटा 3 महीनों से घर से गायब है, तो फिर ये वीडियो बनाया कैसे गया उसके कमरे में? किसने बनाया? यही तो समझ में नहीं आ रहा सर। अजय तो पुणे में पढ़ने के लिए गया था, वो गायब कैसे हो गया? देखिए, अगर ये वीडियो आपके घर में बनाया गया है तो फिर किसी ऐसे आदमी का काम है जो आपका बहुत करीबी है। बाहर वाला ऐसा नहीं कर सकता। और ये जो आवाज आ रही है वीडियो में, इसको पहचानते हैं आप? नहीं सर, ये आवाज बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं है। कोई धमकी भरा फोन आया हो, किसी ने पैसों के लिए फोन किया? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी अजीब बात है, अगर पैसों के लिए बेटे को किडनैप नहीं किया गया तो फिर किस लिए किडनैप किया गया? सर, कोई दुश्मनी हो सकती है या फिर? सर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये वैसा ही केस है जैसा रीता का था। हाँ सर, उस केस में भी रीता पहले गायब हुई थी और उसके बाद उसके साथ उसके बाद क्या? प्लीज बोलिए ना। हाँ सर, उनके अच्छा ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। कुछ पता चला डॉक्टर साहब, किसी के जूते की मिट्टी मैच हुई? नहीं बॉस,
इनमें से किसी के जूते की मिट्टी नहीं। एक बात तो साफ हो गई, कोई रीता के घर का तो नहीं है। ये डॉक्टर तारिका नहीं दिख रहे? लैब में होंगी तो नजर आएंगी ना। ओ, आज आई नहीं है। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? तबीयत एकदम ठीक है, मलेशिया गई है एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए। मलेशिया? यहाँ हम लोग खूनी को ढूंढ रहे हैं, वो मलेशिया घूम रही है। अरे कुछ जलने की बदबू आ रही है बॉस। जलने की बदबू लैब में? कुछ तो जल रहा है। क्या बात कर रहे डॉक्टर साहब, दिल भी कभी जलता है क्या? हो गया सानू के? अब जरा बताओ रीता की मौत कैसे हुई? मोहन आइए। ये निशान देख रहे हैं आप? बॉस किसी मेटल वायर से गला घोटा गया इस लड़की का। सर इस लड़की की मौत कितनी देर पहले हुई है? यही कोई 26-27 घंटे पहले। 26-27 घंटे पहले? सर के कोई चोट या जोर जबरदस्ती के निशान है? नहीं बॉस कोई निशान नहीं। इनफैक्ट पूरी लाश को धो दिया गया है किसी मेडिकल सॉल्यूशन से। धो डाला? किसने? खूनी ने। ताकि कोई सबूत ना मिले। राइट, कोई सबूत नहीं। खूनी कहाँ भी पहुंचा हुआ है सर? सर वो पहले खून करता है फिर लाश को उसके घर में भेज देता है जिसका उसने खून किया है। सर इस खूनी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है सर। हाँ मगर दया वो कोई गलती भी तो नहीं कर रहा है, कोई सबूत भी तो नहीं छोड़ रहा है। सबूत? सबूत मिला है बॉस। सबूत मिला है तो पहले क्यों नहीं बताया सड़ों के? आइए मैं बताता हूँ। क्या मिला है सड़ों के साथ? अभिजीत खुद ही देख ले। कुछ सफेद रेशे जैसे दिख रहे हैं। अच्छा देखूं? सालुंकी ये तो कोई धागा या रस्सी का टुकड़ा लगता है। नहीं बॉस ना तो ये कपड़े के धागे ना रस्सी। तो फिर? पंख है ये, मुर्गी के पंख जो हमें उस मिट्टी में से मिले। सर कहीं ये मिट्टी किसी पोल्ट्री फार्म में से तो नहीं आई है? राइट, यू आर राइट देयर। और ये पोल्ट्री फार्म शहर के बाहर होगा और काफी हरियाली जगह होगी क्योंकि जो घास इस मिट्टी में मिली है वो यहां की नहीं। तो इसका मतलब है रीता को शहर के बाहर किसी पोल्ट्री फार्म में रखा गया था। जानवर की मौत मरेगा वो जानवर। बस करो
इस तरह गालियां देने से हमारा अजय वापस तो नहीं आ जाएगा ना? लाश तो बिल्कुल साफ सुथरी है सर, कपड़े भी नहीं लगते। देखो जरा इसके गर्दन पे कोई निशान है क्या? इसे भी रिटा जैसे किसी ने गला घोटकर तो नहीं मारा? गला घोटने का तो कोई निशान नहीं, बदन पे देख कोई चोट के निशान के या और कोई निशान। चाकू का निशान, मतलब निशान साफ करके स्टिच लगाया गया है। डॉक्टर ने कहा तो इनका कहना है कि जो आदमी इस कॉफिन को यहाँ लेके आया था उसने लाल रंग का मास्क पहन रखा। तुम्हें याद है वो मास्क कैसा था, किस तरह का था? हाँ साहब, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। उसने अपने चेहरे पे बहुत ही डरावना मास्क पहन रखा था। डरावना मास्क? प्रिडिक्स एक काम करो, इन्हें ले जाओ और इनसे वो मास्क का स्केच बनवाओ। अब जाइए, आइए चल। अब जरा सालों के से पूछते हैं, देखते ये जो इसके अजय के छाती पर जो स्टिचेस हैं, क्या कहते हैं? ये सूचस देखो, ये टांके। और ये टांके देखो इतनी खूबसूरती और सफाई के साथ लगाए गए, लगता है जैसे किसी सर्जन ने लगाए। मतलब खूनी कोई सर्जन भी हो सकता है या फिर हॉस्पिटल में काम करने वाला कोई ऐसा आदमी जिसे इन चीजों की जानकारी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है अभिजीत। और वह सबसे बड़ी बात यह है कि इस लाश को भी उसने रीता की लाश की तरह से मेडिकल सॉल्यूशन से साफ किया। कमाल है सर, एक तरफ खूनी ने लाश को साफ कर दिया सबूत को मिटाने के लिए और दूसरी तरफ लाश को उसके घर पे छोड़ने का खतरा भी उठा रहा है। पहले उसने रीता को उसके घर पे छोड़ दिया और फिर अजय को मारकर उसी की फार्म हाउस में जाकर के फेंक दिया। सर दोनों के साथ ही उसने ना तो मार पिटाई की है और ना कोई जोर जबरदस्ती, तो फिर इन दोनों को मारा तो मारा क्यों? और घर वालों से पैसे वगैरह भी कुछ मांगे नहीं है सर। सर ये खूनी या तो मेनियाक है, पागल है, या कोई जीनियस है जिसका दिमाग का तार खराब हो गया। सर स्केच बन गया है उस मास्क का। इस मास्क को देख के लगता है ये किसी आर्ट या पेंटिंग के फील्ड के आदमी का है। कोई ऐसा सर्जन हो सकता है सर जिसे आर्ट वार्ट का शौक हो। रिसर्च से पता चला है कि इन मास्क को ऑपरा मास्क कहा जाता है सर। और ऐसा मास्क सबसे पहले चाइना में बनाया गया था सर। चाइना? ठीक है विवेक, तुम एक काम करो, पता लगाओ ऐसे मास्क यहाँ पर कहाँ मिलते हैं। शायद उसके जरिए हम इस खूनी तक पहुंच सकते हैं। और अभिजीत, शहर के बाहर जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं सब जाकर के चेक करो, हो सकता है रीता को उन्हीं में से किसी एक पोल्ट्री फार्म पर रखा गया था। आप चाहे तो तलाशी ले सकते हैं, हमारे यहाँ मुर्गियों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हमने किसी लाश को गायब नहीं करा। नहीं, हम तो सिर्फ ऐसे ही करते हैं। अच्छा आपको पता होगा यहाँ आसपास और कौन कौन है मुर्गी पालने वाले? आगे दो है। नहीं सर, मैं मुर्गियों का काम करता हूँ। क्या आप मास्क की बात कर रहे हैं? ठीक है यार, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? ठीक है ठीक है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, इधर बाहर आओ। क्या बात है यार? एक बात बताओ, सबसे पहले कौन आया था, मुर्गी या अंडा? मुर्गी? सॉरी सॉरी सॉरी, अंडा पहले आया था। जो भी आया हो, मुर्गी या अंडा, अगर आपको पता है आप ही क्यों नहीं बता देते? मुर्गी वाले, रेस्टोरेंट में जो चीज पहले ऑर्डर करोगे वही चीज पहले आएगी ना। पर आप हो कौन? सीआईडी। सीआईडी? सही है, देखो इस लड़की को पहचानते हो? ये लड़की पता नहीं, कभी देखा नहीं इसे। देखा नहीं है? तो तुतला क्यों रहा है? मैं कहाँ तुतला रहा हूँ। अच्छा रेडी,
जरा इसको अपने दो चार जोक सुना, तब तक मैं चेक करके आता हूँ। अरे नहीं सर, अंदर कुछ भी नहीं, अंदर तो सिर्फ मुर्गियाँ हैं, मुर्गी तो क्या घूमने लायक है। सुनो 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 सुनो, एक गांव था गांव। आदमी को लेके आओ। चलो सर, बड़ा ही बोरिंग आदमी है, मेरे सारे जॉब गड्ढे में चले गए, एक बार भी नहीं आता। अभी आएगा तो मैं काम करूं, फिर मिट्टी जरा खोदो। लेकिन आप लोग यहां पे क्यों खोद रहे? अभी पता चल जाएगा, चुपचाप खड़े रहो, चोंच बंद करके समझे। समझ में आया, उन बच्चों की लाशें कैसे साफ की जा रही थी और कैसे टांके लगाए जा रहे थे। लाशें? कौन सी लाशें? कौन सी लाशें? मैं सच कह रहा हूं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा तो ये मास्क यहाँ क्या कर रहे हैं? बर्थडे पार्टी के लिए सजा के रखे हुए हैं? ये मास्क मेरे नहीं है सर, ये मास्क उस खूनी के। कौन खूनी? मैं नाम तो नहीं जानता सर उसका, लेकिन वो लाशें लेकर आया करता था मेरे पास, लाशें साफ करवाने के लिए। अच्छा, तो तू भी मिला हुआ इस गुनाह में। एक पोल्ट्री फार्म चलाता है ना तू, तो लाशों को धोना और टांके लगाना तुझे किसने सिखाया है? मैं एक डॉक्टर हूँ सर। तू डॉक्टर है? तुझे जोक सुना के मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये मुर्गियां पालने का शौक कब से चल रहा है तुझे? पुलिस से बचने के लिए मैं यहाँ छुपा हुआ था। क्या? ऐसा क्या किया था तूने? किडनी चुराए थे मैंने एक मरीज की, और पता नहीं मेरा ये राज उस खूनी को कैसे पता चल गया। चेहरा देखा तूने उस खूनी का? नहीं, वो हमेशा मास्क में ही रहता था। मास्क? उसका कोई फोन नंबर या एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं सर। फ्रेडी, अरेस्ट करो इसे। मैंने किसी का खून नहीं किया सर। अगर जल्दी से नहीं पकड़ा उस खूनी को तो न जाने कितने लोगों की जान ले लेगा वो। हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि ये आदमी इन जवान लड़के लड़कियों को ही क्यों निशाना बना रहा है। ये बात तो है सर, मगर वो उन लोगों को चुन चुन के मार रहा है जो लोग उसके चंगुल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अजय और रीटा दोनों ने ही भागने की कोशिश की है सर? हाँ, हो सकता है सर। चूंकि उसने सिर्फ अजय और रीटा को अपना निशाना बनाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन होगा? इन दोनों के बीच में क्यों है? ये जो इतने लोग किडनैप हुए हैं, हो सकता है इन सबके बीच में कोई ना कोई रिश्ता हो। विवेक, काम करो, इन सब माँ बाप से जाकर के बात करो, प्यार से बात करो, पूछो, पता लगाओ। क्या ऐसी कोई कॉमन बात है, क्या कोई खास बात इन बच्चों में जिसकी वजह से ये आदमी उनको निशाना बना रहा है? पता लगाओ, क्या ये सभी एक दूसरे को जानते थे क्या? जा। सर, और अजीब बात ये है कि ये तीनों बच्चे जो किडनैप हुए हैं, उनके ये वीडियोस उनके घर पे बनाए गए, और उनके माँ बाप का ये कहना है कि उस वक्त बच्चे घर पे थे ही नहीं।
फ्रेडरिक्स, इन बच्चों के घर पर जाओ और उनके कमरों की फोटो लो, उन कमरों के जहां पर ये वीडियोस बनाए गए। यस सर। ये तीनों लोग एक दूसरे के दोस्त नहीं है सर, और ना ही एक कॉलेज में पढ़ते हैं। अगर इनमें कोई कनेक्शन है तो वो सिर्फ यही है कि तीनों के तीनों एक ही जगह पे गए थे। देखा, कुछ तो कनेक्शन मिला। कहाँ गए थे? सिलगोजी में गए थे, कोई स्टूडेंट्स प्रोग्राम था वहां पर सर। सिलगोजी, यस, कहिए। सीआईडी, प्लीज बैठिए सर। मिस्टर शुभांग, हमें पता चला है कि आपका ट्रस्ट यहाँ हर साल एक स्टूडेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। जी हाँ, हर साल 10 अक्टूबर को। जरा ये लिस्ट देखिए और बताइए, ये बच्चे पिछले साल यहाँ आए थे क्या आपके स्टूडेंट प्रोग्राम में? अनुज, रीटा, जसलोक, अजय, जी हाँ, ये सभी बच्चे आए थे पिछले साल। बड़े ही प्यारे बच्चे थे सर, मगर बात क्या है, एक एक करके खून किया जा रहा है इन बच्चों। What? ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ मिस्टर शुभांग, और खून सिर्फ उन्हीं बच्चों का किया जा रहा है जो पिछले साल आपके प्रोग्राम में आए थे। ये तो बड़ी अजीब बात है। मिस्टर शुभांग, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहीं का कोई आदमी है जो इन बच्चों को मार रहा है? ये आप क्या कह रहे हैं सर, और ऐसा भला कोई क्यों करेगा सर, भला हमारे बच्चों से क्या दुश्मनी है? तो फिर इन्हीं बच्चों का खून क्यों हो रहा है जो आपके प्रोग्राम से जुड़े हुए थे? कोई जवाब नहीं। जरा ये मास्क देखिए, इसे पहचानते हैं आप? हाँ, मगर ये आपको कहां से मिला? इस मास्क का उन बच्चों के साथ कोई कनेक्शन है? पिछले साल ये बच्चे एक प्ले करने वाले थे, एक नाटक जिसमें इस मास्क का इस्तेमाल होने वाला था। इस्तेमाल होने वाला था? हाँ सर, पर एन वक्त पे ये नाटक कमेटी ने कैंसिल कर दिया। क्यों? नाटक कैंसिल क्यों किया? पता नहीं सर, कमेटी का कहना था कि ये नाटक कुछ ठीक नहीं है, कुछ सर पैर नहीं है इस नाटक का। देखो मिस्टर शुभांग, कोई तो है जो इस नाटक से जुड़ा हुआ था, जो अब कुछ पागल जैसा हो गया है। ना जाने किस बात पे उसे गुस्सा आया हुआ है और वो गुस्सा निकाल रहा है इन बेचारे मासूम बच्चों को। और ये आपकी कमेटी का भी आदमी हो सकता है जिसने कहा था इस नाटक का कोई सिर पैर नहीं है? नहीं सर, कमेटी का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अच्छा, आपने बताया था कि इस तरह के बहुत सारे मास्क इस्तेमाल होने वाले थे इस नाटक में। जी सर। तो आपने ये मास्क कहाँ से मंगवाया था? सर मैं एड्रेस बताता हूँ। क्या हुआ सर? विवेक, अजय के कमरे का वीडियो देखो, और आप इस वीडियो में ये फूलों का पेंटिंग देखो। हाँ सर। और आप इस अजय के कमरे का फोटोग्राफ देखो, इसमें जो पेंटिंग है ना वो देखो। हाँ सर, इस फोटो वाली पेंटिंग में फूल फूलदान के अंदर है सर, मगर वीडियो में नहीं सर। एग्जैक्टली। ओहो, फ्रेडरिक्स, देखो इस लड़की के कमरे का वीडियो, और आप इस फोटोग्राफ को देखो। इसमें दो पेन स्टैंड है। अरे, तीन पेन स्टैंड है सर, गड़बड़ है सर। एग्जैक्टली। सर, इसका मतलब किडनैपर इन तीनों बच्चों का कमरा वैसा का वैसा ही बनाना चाहता था जैसा कि है सर।
हाँ विवेक, उसने वैसे के वैसा कमरा बनाने की कोशिश की मगर मगर नहीं हुआ। थोड़ी थोड़ी गलतियां की है उसने, सोचा तो बहुत था उसने। बड़ा चालाक है ये किडनैपर खूनी, समझ भी नहीं आ रहा है फ्रेडरिक्स की ये फोटोग्राफ्स उस आदमी को मिले कहां से। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी आदमी ने उन बच्चों के घरों में घुसकर उनके कमरों के फोटोग्राफ्स लिए और फिर वही फोटोग्राफ जाकर के उस किडनैपर को दिए और फिर उस किडनैपर ने वैसे के वैसे कमरे बनाने की कोशिश की। लेकिन सर, कोई बाहर का आदमी घर में कैसे घुसा, और अगर घुसा भी तो उसे फोटो निकालते हुए किसी ने कैसे नहीं देखा? वही पता लगाने की कोशिश करो फ्रेडरिक्स, जाके पता लगाओ कि क्या कोई बाहर का आदमी उन बच्चों के घरों में घुसा था क्या। यस सर। अरे आइए साहब, बताइए क्या चाहिए आपको। सीआईडी सिलगोजी में ट्रस्ट वाले हर साल स्टूडेंट प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे कुछ नाटक वाटक किया जाता है। हाँ साहब, वहाँ पे जो भी नाटक होता है उनका सारा सामान हमारी दुकान से ही जाता है। तो फिर पिछले साल भी आपने भेजा होगा सामान वहाँ पे? जी साहब, बिल्कुल भेजा था। अच्छा, मास्क भेजे थे क्या, पेंट किए हुए मास्क? हाँ साहब, 35-40 मास्क भेजे तो थे, पर वो किसी कारण उनका नाटक कैंसिल हो गया। अच्छा, इन मास्क के ऑर्डर किसने दिए थे, नाम क्या साहब ने? नाम, एक मिनट साहब। ये रहा सर, 12 अक्टूबर 2008, मिस्टर शेखर नाम है उनका। शेखर? ओ, तो ये आदमी दवा छिड़कने वाला आदमी बनकर घुसा था उन बच्चों के घरों में? हाँ सर, और सबका कहना है कि वो आदमी सफेद रंग की कार में आया था। कीड़े मारने की दवा छिड़कने वाला आदमी कार में? यस सर। तो किसी ने कार का नंबर देखा था? नहीं सर, नंबर तो नहीं देखा, पर कार के पीछे वाले शीशे पर एक चेहरा बना जरूर देखा सर, लाल रंग का चेहरा। तो जरूर वो चेहरा एक मास्क ही था, ओपेरा मास्क। अरे, उस आदमी का पता चल गया? कहां पर? वाड़ीगुरी पार्क। अच्छा, बस हम अभी पहुंच गए, जरा होशियार रहना, शायद शेखर के पास गन हो सकती है। आप लोग किसे मिलना है? शेखर, शेखर घर पे है। शेखर? आप लोग शेखर के दोस्त हो? जी नहीं, हम उससे मिलने आए हैं, सीआईडी से। सीआईडी से? क्यों? हम लोग शेखर को ढूंढ रहे हैं, दो खून किए उसने। शेखर और खून? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं करेगा, हाथ नहीं है क्या उसके पास? जब मरा था तब तो थे। शेखर, शेखर मर चुका? और क्या, 6 महीने हो गए लटक गया फांसी पर, और इस बूढ़ी मां को बेसहारा छोड़कर चला गया। अगर शेखर मर चुका है तो ये सारे खून कहीं शेखर की आत्मा तो नहीं कर रही है? हाँ सर, ऐसा ही लगता है। आप थोड़ा सावधान रहिए, आत्मा आपके पास ही आती है। हाँ हाँ, तुम मुझे डरा मत, कोई दूसरी बात करते हैं। ले फ्रेडरिक्स। जी शेखर जी। फ्रेडरिक्स, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये सर, शेखर ने आत्महत्या क्यों की? अरे सर, मुझे क्या मालूम सर। फ्रेडी, तुमसे कोई नहीं बोल रहा है। सॉरी। कैसे कैसे आत्महत्या की उसने? नाटक और रंगमंच की दुनिया में बहुत नाम कमाना चाहता था, मगर ऐसा नहीं हो सका और उसने खुद को मार डाला। अगर ये शेखर मर चुका है तो फिर ये सब खून कर कौन रहा है? शेखर का कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार? रिश्तेदारों को आप क्यों बदनाम कर रहे हैं, और वैसे भी ऐसा कोई रिश्तेदार है ही नहीं जो शेखर के लिए खून करेगा। सर, हाँ। वो देखिए,
चुका है। सफेद गाड़ी? कहीं ये वही गाड़ी नहीं जिसमें खूनी उन लोगों के घर गया था कीड़े मारने की दवा छिड़कने वाला बनकर? हो सकता है। साहब, ये देखिए, ये वही गाड़ी है जिसपे ये लाल रंग का ऑपरा मास्क लगा हुआ था। अगर गाड़ी यहाँ पे खड़ी है तो खूनी भी यहीं पे होगा सर। देखिए माँ जी, आप बैठ जाइए, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। आप कार आपकी है माँ जी, आप चलाती हैं वो कार? कार? नहीं बेटा, इस उम्र में खुद चल पाऊं यही काफी है, कार कैसे चलाऊंगी? तो फिर वो कार है किसकी और कौन है वो जो खून पे खून किए जा रहा है ऑपेरा मास्क पहनकर? खून? खून तो मेरे बेटे का हुआ है, उसके सपनों का हुआ है, उसकी कला का हुआ है। अब तो सिर्फ उसके सपनों की कीमत चुकाई जा रही है। सपनों की कीमत चुकाई जा रही है। दे अभिजीत, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, जरा देखे तो सही कौन है शेखर को इतना चाहने वाला जो उसके लिए खून की नदियां बहा रहा है। नहीं, आप लोग मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। देखिए माँ जी, हम आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, आप प्लीज चुपचाप चल के बैठ जाइए। नहीं, चलिए। नहीं, मैं तलाशी नहीं लेने दूंगी। चलिए, मैं नहीं लेने दूंगी तलाशी, नहीं लेने ठीक ठाक हो? ठीक है। वो अभी कहाँ गया? अभी बाहर। बाहर?
बाहर निकल, आवाज निकली जाती है। चलो चलो नीचे, छोड़ो लड़की को, चल चल नीचे, चल 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 चल, ए पीछे, लड़की को छोड़ो छोड़ो, गन नीचे करो, ए मैंने कहा गन नीचे करो, ए नहीं, देखो ड्रामा खत्म हो चुका है, ये मास्क उतारो और चुपचाप अपने आप को हमारे वाले कर दो, पर्दा तो अब उठेगा, आई सेड ड्रॉप द गन राइट नाउ, ड्रॉप इट, गन नीचे नीचे करो जल्दी नीचे, ड्रॉप इट, मैं नाटक कभी बंद नहीं हो सकता, कभी नहीं, समझे? तुम्हारे सारे टिकट्स मैं खरीद लूंगा। शेखर, शेखर मेरा चचेरा भाई था, मैं तो अनाथ था, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, लेकिन इस दुनिया ने उसे कुछ नहीं दिया, उसे ठुकरा दिया, क्या चाहता था वो, एक नाटक करना चाहता था, क्या मांगा था उसने दुनिया वालों से, कुछ नहीं, वो चाहे कुछ भी करना चाहता था मगर शर्म तो आनी चाहिए थी तुम्हें, अपनी भतीजी को मार दिया, शेखर ने आत्महत्या कर ली तो तुम निकल पड़े उसकी मौत का बदला लेने के लिए, हैं? तुम उन बच्चों को क्यों मार रहे, शेखर की मौत से उनका क्या लेना देना, हैं? मैं तो सिर्फ यही चाहता था कि वो लोग पूरी जिंदगी एक्टिंग करते रहे, एक्टिंग, वही प्ले जो शेखर ने उनके लिए लिखा था, तभी तो मैंने उन्हें इतने प्यार से रखा था ताकि शेखर की आत्मा को शांति मिले, मगर बेवकूफ उन बच्चों को क्यों मारा, मरने के बाद क्या एक्टिंग करते थे वो, मैंने उन्हें नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ उन्हें मारा जो भागने की कोशिश कर रहे थे, शेखर की मौत का बदला लेने के लिए तुमने अपने हाथ खून से रंग लिए, इसे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं, नहीं तो फांसी तो वो कर ही रहेगी।